नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है स्वस्थ अभियान के हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं सुधीर मिश्रा सदैव आप लोग के साथ अपने गार्डन की व्यूज डालता रहता हूँ। ये हमारा टेरिस गार्डन जो प्राकृतिक छटाओं से हमें मंत्रमुग्ध कराती है, जिसका मैं कुछ छाया चित्र आप लोगों को भी दिखाता हूँ। जीवन जीने के लिए है, जीवन धन जगदीश्वर के लिए होते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थापित होता है कि अपने जीवन को कैसे जिया जाए, और जीवन जीने की कला में उन्मुक्त होकर कैसे जिए, स्वतंत्र कैसे रहें। कभी कभी देखा जाता है कि आदमी को बहुत कुछ रहने के बावजूद भी अपने आप में प्रतिबंधित रहते हैं, कुछ चीज़ों पे अपनी चीज सोचों को संकुचित रखते हैं, कुछ चर्चाओं पे अपने आप को अलग थलग रखते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता है। उसका मेन कॉज है कि आपकी सेंसरी सिस्टम में प्रॉब्लम। सेंसरी सिस्टम क्या होता है? हर एक डिवीजन में अपने सेंसर सिस्टम होते हैं, उसके मैसेंजर होते हैं, उसकी कार्य क्षमता और कार्य प्रणाली होती है। और जीवन जीने की कला होती है। जब हम किसी चीज के ओर देखते हैं, उसकी कलर, उसकी आकृति हमारे शरीर के ब्रह्मांड में बहुत सारे ऑर्डर को, डिसऑर्डर को ऑर्डर में कन्वर्ट करता है। जब ईश्वर ने इस ब्रह्मांड को, इस मनुष्य के शरीर को बनाया, तो उसके साथ साथ बहुत सारी सारी चीज़ें उन्होंने साथ भेजा कि मनुष्य कैसे जिए। अगर नदियों और पहाड़, नदियों और मरुस्थल के बीच अगर मनुष्य को भेज दे तो क्या मनुष्य जिंदा रह सकता है? बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थापित होता है। प्रश्न उठता है कि पॉसिबल नहीं है। समुद्र और मरुस्थल के बीच ईश्वर ने इस प्लांट को चुना है, जो रंग का द्योतक है, जो जीवन का द्योतक है। जीवन में रंग चाहिए। ब्रह्म और प्रकृति की जब चर्चा करते हैं तो रंग की बात तो आती ही है, और रंग तो हमें प्रकृति से ही मिलता है दोस्तों। प्रकृति की उन्मत्त कलर, विविधता, टोन, इस ग्रीनरी में ही एक टोन ये है। येलो ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, सी ग्रीन है। देखिए कहाँ जाके करेला फलते हैं, उन्मुक्त है, इसे स्वास्थ्य मिलता है। और ये जो है अपनी पैदावार, इसे प्रेम करते हैं और ये आपको स्वास्थ्य देता है। प्रकृति का कभी दोहन नहीं करना चाहिए। प्रकृति के साथ अगर आप मिलके रहते हैं तो आपके शरीर के सारे ऑर्डर और डिसऑर्डर समाप्त हो जाते हैं। देखने ही मात्र से आपकी सारी चीज़ें, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। अच्छा,
प्लांट से हमारे सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जाओं का बहुत बड़ा संबंध है। अपने क्या संबंध है मैं बताता हूँ। किसी भी प्लांट में अगर नकारात्मकता अगर फैलने लगती है तो वहाँ उसके फले सड़ने लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। उसकी जो लताएं हैं उसमें जान नहीं रह जाती, उसकी जो फ्रूटिंग्स है वो प्रॉपर नहीं होता। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जीवन जीने की कला को सीखना चाहिए, कैसे जिए। दोस्तों, हमारे इस गार्डन में अभी मैं आज हार्वेस्टिंग करने वाला हूँ। मैं अगले अंक में हार्वेस्टिंग का वीडियो आप लोग को दिखाऊंगा। इस अंक में मैं अपने गार्डन का कुछ व्यूज आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि कितने अच्छे अच्छे फ्रूटिंग्स हैं हमारे इस गार्डन में, देख सकते। आपको जबकि ये नेचुरल है, आज के फार्मर कहते हैं कि बिना फर्टिलाइज़र की कुछ नहीं होते, मगर हमारी इस गार्डन में किसी भी प्रकार की फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सिर्फ किचन वेस्ट मटेरियल्स। हमने गांव का कंपोस्ट भी एक ही टाइम डाला था, जब मिट्टी बना रहे थे तब हमने सिर्फ इसके मिट्टी को हल्का करने के लिए, चूँकि जितना वजन हमने मिट्टी का दे रखा है उतना मिट्टी का वजन हम छत पे डालते तो 1000 किलो होगा, मगर आप जितना भी हमारा गार्डन देख रहे हैं इसका मिट्टी का अगर वेट करते हैं तो इस मिट्टी का वेट मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 से 500 किलो है। देखिए आज फिर हमारे इसमें आप देख सकते हैं इसकी ये फ्रूट्स है। अब देखिए इसकी क्वालिटी को, इसकी गुणवत्ता को, बहुत ही टेस्टी होता है और न्यूट्रिशन से युक्त होता है, ठीक है ना। एक मैंने बोतल में दिखाया था, इससे अगले वीडियो में तो ये आप इससे प्रेम करेंगे तो ये आपसे प्रेम करेगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, हमारी इस वीडियो को ऐसे ऐसे व्यूज देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें, जिससे मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को आप लोग तक डालता रहूं और इसे दिखाता रहूं। सुबह सुबह मैंने इसमें सभी में पानी दिया है। ये बतिया है, ककड़ी जिसे कहते हैं। मैंने खीरा भी दिखाया आपको, खीरा 3-4 प्रकार का खीरा है। रेड भिंडी है, आप देख सकते हैं इस रेड भिंडी को। लौकियों में भी बातियां आ रही है और बहुत अच्छा व्यूज दे रहा है। ये लौकियां लगी भी है और हमारे इसमें तोरियां देख सकते हैं आप कितना लटके हुए हैं और अच्छा पैदावार है तोरियों का। इसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत अच्छी होती है, ये पूरा ऑर्गेनिक।
100%। देखिए हमारे सर के ऊपर भी लटके हुए, हमारे सर के ऊपर भी लटके हुए। आज मैं कुछ का हार्वेस्टिंग करूँगा और आप लोग के साथ फिर अगले वीडियो में शेयर करूँगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।